असली तकलीफ ये है कि लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, बच जाऊं कैसे, असली तकलीफ ये है। और उस तकलीफ के कारण कभी ये सत्याग्रह का सहारा लेते हैं ईडी पर दबाव डालने के लिए। सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी ने किया था, पर उन्होंने कभी भी चोरी और ठगी के लिए सत्याग्रह नहीं किया। और कभी जो कांग्रेसी कांग्रेस जन हमेशा सफेद वस्त्र धारण करते थे, काली करतूतों से जो उनके वस्त्र काले हो गए, वो काले कपड़े डालकर जनता के मांगों की आड़ में ईडी पर दबाव डालना चाहते हैं। अगर ये साफ पाक हैं तो डरने की जरूरत क्या है? आप जाइए अपनी बात देश में ऐसा प्रजातंत्र बनाना चाहते हैं कि अगर ईडी नोटिस दे तो काले कपड़े डाल के प्रदर्शन कर दो तो उसका नोटिस विड्रॉ हो जाए। अगर इनकम टैक्स नोटिस दे तो काले कपड़े 100 आदमी डालकर इनकम टैक्स के दफ्तर चले जाओ तो फिर इनकम टैक्स का नोटिस विड्रॉ हो जाए। अगर पुलिस कोई समन करे तो 10 आदमी काले कपड़े डालकर थाने चले जाओ तो वो केस विड्रॉ हो जाए। अब ऐसा प्रजातंत्र तो देश में आ नहीं सकता जैसा राहुल गांधी चाहते हैं और जैसा वो करके दिखाना चाहते हैं। मुझे सबसे बड़ी हैरानगी ये होती है कि आज़ादी का देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश में हर्षोल्लास का वातावरण है, ऐसे वातावरण में कांग्रेस को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बजाय अपने पापों को छुपाने के लिए नित रोज जगह जगह पर तांडव कर रही है।